वेलकम गाइस, आई होप यू आर ग्रेट। सो टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज हाउ टू इम्प्रूव पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय न्यू व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग व्लॉग और अभी जाते हैं जी। मैं उठा हूँ, नाश्ता शाश्ता किया है, मैंने कहा चलो यही कपड़े पहनते हैं, जब जुम्मे का टाइम आएगा तो फिर शलवार कमीज़ पहन लेंगे। अभी टाइम है तो अभी जाना है डायरेक्ट बैंक, क्योंकि फिजी तो सबमिट हो गई थी इनकी, वो ऑनलाइन करवा दी थी। बाकी जानते हैं बैंक, ये आवाज़ आ रही है चाबी की, मेरे हाथ में चाबी है, साथ चेक है, ठीक है, चेक जमा करवाना है बैंक में। सो अभी चलते हैं, HBL बैंक है, उधर जाएंगे चेक जमा करवाने के लिए और सभी चलते हैं। और गाइस इधर हो रही है ठंड, समझ रही, इसलिए मैंने जो है ना हाफ स्लीव ही पहने हुए हैं। ठंड हो रही है, सुबह मैं नहाता हूँ, इतना ठंडा पानी टैंकी में हुए हुए, इतना ठंडा पानी। तो बाकी ये सामने वाले लाइटें लगा दी है जी, सामने हमारे घर है, हमने भी लगानी है, मैंने भी लगानी है, मैंने भी लगानी है लाइटें, मैं हर बार लगाता होता हूँ गाइस गली में, ठीक है, अपने घर के मतलब के ऊपर से ही नीचे तक। मैंने उसको बोला और सामने वाले को, मैंने कहा चलो आमने सामने गए गली में ज़्यादा मज़ा करेंगे, उसने अपने घर लगा दिए तो मैं भी अपने घर लगा दूँगा। बाकी लगाएंगे लाइटें शाइटें हैं मेरे पास पड़ी, बाहर से भी लेके आएंगे इंशाल्लाह, एक झंडा भी लेके आएंगे, झंडा भी लगाएंगे, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं, तो वैसे अभी पहुँचे हैं जी घर, मालूम क्या रहा है, देखो अभी जो है टाइम बहुत शॉर्ट है, कपड़े शपड़े निकालते हैं, बाकी आप साहब रेडी होकर इधर गेम खेल, DTS जा रही है इधर, और बाकी अच्छा उस कमरे में मैं सिर्फ सोता हूँ, कमरा वैसे ही ये वाला मेरा है, और इधर वैसे ही अमीन रहना कहता है, मैं इधर सोया करूँगा, आप इधर सोए, बाकी चीज़ें वगैरह मेरी सारी इधर ही होती हैं, कपड़े मेरे लटके हुए हैंग हुए हैं, देखते हैं अभी कौन से पहनते हैं निकालते हैं। क्या था बैंक चीज़ें सबमिट कराया हूँ वो, तो एग्जैक्ट में 12:20 पे उधर से अवर हुआ, 12:30 पे जमन को नहीं चला गया स्कूल, क्योंकि उन्होंने कोई रिसीव चीज दी है पता नहीं, और एक पे पहले गलत लिख दिया था मैंने, मतलब फिर लिखा ठीक था, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, फिर दूसरा लिया, दूसरे पे भी वो गलत, फिर तीसरा लिया, तीसरे पे जाके ठीक हुआ, ठीक लिखा था कि ये उन्होंने दी है मुझे रिसीव से, ये संभाल के रखेंगे। जो बाकी कपड़े कपड़े पहनते हैं, टाइम शॉर्ट है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक। तो गाइस अभी हुए हैं जी रेडी, तो बाकी अभी जो है ये उठाते हैं, चेक पापा को दिखाते हैं, नंबर आप दिए थे उस वक्त, जी चलो ये उठाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, दिखाते हैं, बाकी चलते हैं जुम्मे के लिए, एक हो गया, एक 10 पे जाएंगे आराम सुकून से, लाइटें शाइटें ऑफ करते हैं, अभी चलते हैं ऊपर, बाकी जो वेदर है वो तो अभी धूप वगैरह निकल रही है, सुबह ठंड थी काफ़ी। ये मैं कह रहा था लाइटें सामने वालों ने लगा दी है, हमने भी लगानी है। मजमा पढ़ के घर पहुँचे, साथ ही गाल की, साथ ही घर की बैल प्रेस की है, तो पता चला जी साहब साहब तो गाँव पहुँचे हुए हैं, सुबह सुबह निकल गए थे वो गाँव, मैंने कहा गुड हो गया बाबा जी, और बाकी साहब गाँव में पता नहीं कब आएगा, उसका बात ही नहीं हुई तो क्यों नहीं, ये पता नहीं क्या हुआ है ना। बाकी ये यमन साहब बैठे हैं, यमन साहब आज जुम्मा पढ़ने नहीं गए, आज मैं इसका स्कूल के अंदर वेट करता रहा, ये आएगा अंदर से इधर से आता होता है, ये जमन साहब बाहर स्कूल गेट के बाहर खड़े मेरा वेट कर, ओ भाई कम से कम आधा घंटा मैं इसका वेट करता रहूँगा, भाई आएगा 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 आएगा, फिर तब तक यमीन आया, यमीन कहता है यार वो तो बाहर खड़ा है, मैंने कहा वाह भाई वाह, फिर ये भी वेट करता रहा मेरा, मैं भी वो, आज मेरी प्रेजेंटेशन भी है उसमें यूनिवर्सिटी में, हर फ्राइडे को होती है, आज प्रेजेंटेशन है हाउ टू इम्प्रूव पाकिस्तान एजुकेशन, तो उसमें होगी जो है ना प्रेजेंटेशन, अगर मैं लड़के से कहूँगा मैं प्रेजेंट कर रहूँगा, तो वीडियो बनाओ अगर मेरी बारी आई है जो भी हुआ, ठीक है,
देखेंगे, अगर अच्छी हुई, अगर मैंने अच्छी की तो वीडियो डाल देंगे। जो है मैंने प्रेजेंटेशन रेडी की है, क्योंकि जो है ना मैंने प्रेजेंट करना होगा सबके सामने, इसलिए मैं शीशे के सामने मतलब कि आईने के सामने जो है ना मैं कर रहा था तैयारी कर रहा था, मतलब कि बोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर ऑडिटोरियम होनी है ना प्रेजेंटेशन सबके सामने, तो इसलिए बाकी मैंने रेडी कर ली है और तैयार भी कर ली है। ये मैंने लिखी है जी, ठीक है, 1.5 पेज की, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी प्रेजेंटेशन है मेरी और ये इंशाल्लाह आज देनी है। और बाकी सर कहता है पिछले मतलब कि मैं फ्राइडे को मेरे ख्याल से लेट गया था या क्या हुआ था, तब प्रेजेंटेशन हो गई थी, तो लाइक वो कह रहे थे नी लड़कों ने छुट्टी की थी ना, तो पिछले फ्राइडे को मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दी थी क्योंकि मेरी बारी नहीं आई थी, इसलिए मैं उससे पिछली जब फर्स्ट टाइम मैंने दी थी मैं फर्स्ट पे गया था, मैंने कहा मैं पहले नंबर पे जाऊँगा, तो फिर मैं फर्स्ट पे गया, फिर प्रेजेंट किया। बाकी सेकंड टाइम जो है वो नहीं ली उन्होंने, तो थर्ड टाइम जो है अभी फिर कहते हैं जो छुट्टी करेगा वो हमें समोसे खिलाएगा, और देखते हैं लड़के छुट्टी करेंगे वो तो खिलाएंगे ना समोसे, क्योंकि जो छुट्टी करता है उसको कोई ना कोई सजा तो मिलती है पनिशमेंट के तौर पे। बाकी भी फोन आया, कहते हैं घर वाले आओ ऊपर खाना खा लो, चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या बना, और लाइट तो गई हुई है, UPS है इसीलिए जो है ना UPS आवाज़ कर रहा है क्योंकि लाइट गई हुई है, जब आवाज़ करें ना UPS समझ लो लाइट गई हुई है। मेरा लाइटर भी लगानी थी पर टाइम ही नहीं मेरा यार, मैं क्या करूँ आपके सामने ही बस इधर उधर, बाकी अभी चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या बना है खाने में और खाते हैं खाना। आज पके हैं जी राइस, ऊपर आए हूँ देखा है घर वालों ने पकाए हुए थे राइस डाले हैं अभी और अभी खाते हैं, रख दे कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं, अभी खाना खाना खाया है। बाकी आवाज़ आ रही है धूप तेज़, ठीक है, और धूप भी काफ़ी तेज़ है, आंखें नहीं पूरी धूप की तरफ भाई, इधर ही मुँह ठीक है मेरा। बाकी भी जाना मार्केट उसे लेना है एक बंदे से किराया, जो हमारी शॉप उधर रहे ना किराए पे, उनसे लेना है जी किराया, और फिर उधर मिल्क की शॉप है ना उस बंदे की, तो दूध भी लेना है, तो भी चलते हैं। बाकी इस माइक का ये इशू है ना कि इसकी बैटरी लो हो जाती है, ये ना कभी कभार मैं भी बोल रहा हूँ ना कब तक मेरी आवाज़ आपको लेट आ रही है, ये सीन हो जाता है माइक का, इसी में माइक जो काम ही यूज़ करता हूँ आप। अभी पहुँचे हैं मार्केट, ये जी मार्केट हमारी, इनसे शॉप सारी किराए पे, ऊपर किराए पे दिया हुआ, देना है दिया नहीं है जो है ना, हाल ही होगा किराए से आए थे बंदे चले गए हैं जो है, बाकी ये मार्केट है, ये डोर है, ये सारी इस बंदे से किराया लेना है, तो मेरी शॉप है इसे लेते हैं किराया, ठीक है, और दूध भी लेना, दूध भी लेंगे इसी से, डेढ़ किलो है दूध के पैसे देते, चेंज नहीं मिल रहा, चेंज ले गया लड़का, अगर लड़के झूले भी ले रहे हैं अभी घर पहुँचे हैं, दूध सूध ले गए, दूध उन्होंने बोतलों में डाल के रखा, मेरे को दूध पहले हमने कॉल की थी ना, उन्होंने ना बोतल में डाल के रखा हुआ था, तो सीढ़ियाँ चढ़ती चढ़ती सांस भूल जाता है, इधर की सीढ़ी यूनिवर्सिटी की सीढ़ी, अरे तो तब लिफ्ट लग चुकी है, इधर भी घर में लिफ्ट लगवानी है। अब अभी पहुँचे हैं यूनिवर्सिटी और लिफ्ट ऑन है, शुक्र आके लेट हुए हैं, जाते हैं 5 बजे क्लास है और टाइम जो है काफ़ी हद तक हो चुका है। गाइज आई होप यू आर ऑल ग्रेट, सो टुडे माई प्रेजेंटेशन टॉपिक इज हाउ टू इम्प्रूव पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। तो फर्स्टली आई टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान इज क्वाइट लो एंड द क्वालिटी ऑफ स्कूल ऑफ पाकिस्तान इज पुअर, सो दैट्स मीन द पाकिस्तानी एजुकेशन इन पाकिस्तान इज लो, so how we can improve the Pakistan education system. Firstly, I talk about the political situation of Pakistan is not good, and I talk about the politicals of Pakistan like Maryam Nawaz, Nawaz Sharif and Shahbaz Sharif, so these all are corrupt, only not Nawaz Sharif and Shahbaz Sharif and Maryam Nawaz are not corrupt people, all over the politicals are corrupt. Pakistan June and July National Assembly collect all over the fund and divide it into the parts like
the education, like he got 10 billion for example, and the 2 billions of like education system, 2 billions of road, etc. This and this. Government of Pakistan not utilize the money on education system. So thus they took the money on our pocket and they go away. And the last thing, if we respect the teachers, so we also improve the education system. That's it. Thank you so much. जब भी टाइम है नमाज पढ़ने का, बाकी लड़के नमाज पढ़ भी रहे हैं, मिलते हैं आपको ना नमाज के बाद, नमाज शमाज पढ़ते हैं, नमाज का टाइम चालू, नमाज का टाइम दिए, नमाज शमाज पढ़ते हैं अभी. माय सेल्फ माय बासित जमान, और आप? मैं मेरा नाम सईद है और मैं आप प्रदीप ताल्लुक रखता हूँ. आप प्रदीप ताल्लुक रखते हैं, आप प्रदीप से ताल्लुक रखते हो? ये हमारा रोहित जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हम आईएट्स करते हैं यहाँ पे स्पोकन यूनिवर्सिटी एंड कंप्यूटर साइंस में. और यहाँ पे हम पहले मेरे ख्याल से एक महीने से एक क्लासमेट बन के आया है, और क्लासमेट नहीं, अभी हम एक दूसरे से एक भाई की तरह एक दूसरे से पेश आते हैं. सबसे पहले रोहित भाई ने हमारा दिल जीत लिया अपने भाई के भाई की वजह से. बाकी जी प्रेजेंटेशन वगैरह हुई है सब भाइयों ने दी, तुमने दी है? मैं नमाज पढ़ने गया था. मैंने प्रेजेंटेशन दी लेकिन आप नहीं थे. लेकिन कल नहीं, परसों मंडे प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन सर आ गया कि बस स्टार्ट करो, मैंने स्टार्ट कर लिया. लेकिन उस टाइम काफी बंदे नहीं थे, वो जो फीमेल थे वो भी नहीं थे, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा रिलैक्स था और बहुत जबरदस्त प्रेजेंट किया. और अभी बहुत एक्साइटेड है, हम जा रहे हैं कि शायद वो हमारी ये समोसे खिलाएंगे. शायद कौन समोसे तो बनते हैं ना, जो सही है आज जाते हैं समोसे पे. अच्छा ठीक है. और दूसरा बात ये कि रोहित भाई की जो है एक यूट्यूब चैनल है फॉर ब्रदर्स विलाग, और काइंडली आप सब लोग इसको जो है ना आप सब्सक्राइब कर दो, और इसके साथ जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू सो मच. ये बाकी भी करते हैं इधर ही व्लॉग एंड आई होप आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा. बाकी यार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आईएट्स को भी ज्वाइन करें. ज्वाइन करें. मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ.